लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। चुनाव को लेकर हर पार्टी में दल बदल की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। इसी बीच शुक्रवार को बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों के 24 नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग के मौके पर बोलते हुए हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। एचपीएससी की परीक्षा से हरियाणा का जीके खत्म करने, यूरिया बैग का वजन घटाने और कानूनों के धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए लिखा कि दिल्ली में बाढ़ड़ा विधानसभा से पूर्व हसका प्रत्याशी रहे देवेंद्र आर्यनगर, महेश योगी जी महाराज और पूर्व जिला पार्षद बलजीत सिंह समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, एचपीएससी द्वारा सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती में जारी सिलेबस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार पर हरियाणवी युवाओं को नौकरियों से वंचित रखने की बात कही। इस वजह से जानबूझकर ऐसे नियम बना रही है जिससे दूसरे राज्य के युवाओं को लाभ मिल सके। हुड्डा ने कहा कि एचएसएससी और एचपीएससी की भर्तियों में गैर हरियाणवियों को तरजीह दी जा रही है। बीडीपीओ, एसडीओ, सहायक पर्यावरण अभियंता और लेक्चरर से लेकर हर भर्ती में हरियाणवियों के साथ साजिश हो रही है। भर्ती के नियमों में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि जिन लोगों के पास हरियाणा का डोमिसाइल भी नहीं है वो खुद को हरियाणा के रेसिडेंट्स बता रहे हैं। वहीं हरियाणा डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल करके 15 साल की शर्त को घटाकर भी 5 साल कर दिया गया है ताकि हरियाणा की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं का ही चयन हो सके।